माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दूरदृश्य प्रणाली द्वारा हमसे जुड़ गए हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति ऑनलाइन के लिए हम बहुत बहुत आभारी है, हमारा सौभाग्य है। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करती हूं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। अखिल विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय नायडू जी, मुरली मोहन जी हमारे बीच तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, अजित पवार जी, राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, हसन मुश्रीफ जी, यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प हमको दिया, उस विकसित भारत की ओर आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रसर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो सपना दिया हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, आज एक ही दिन महाराष्ट्र में 10 मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत हो रही है, मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही गौरव का क्षण है। जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन का एक्सपांशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं वो पूरे विश्व में अभूतपूर्व इस प्रकार का है। और आज इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स को तैयार करके अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सेवा को पहुंचाने का मिशन ये पूरा करने का काम हो रहा है और इसमें महाराष्ट्र भी आज बड़े पैमाने पर सहभागी है, इसका मुझे बहुत हर्ष है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से नागपुर के इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन शिलान्यास हो रहा है। नागपुर जो भारत का मध्य बिंदु है, जीरो माइल है, और यहां पर इस एयरपोर्ट के आने से मैं ऐसा मानता हूं पूरे मध्य भारत में रोजगार के अवसर तैयार होंगे, पूरे मध्य भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आएंगी और विशेष रूप से नागपुर के कार्गो हब को एक बहुत बड़ी इसके कारण चालना मिलेगी। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ पूरे देश में साई भक्तों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शिरडी के हमारे जो एयरपोर्ट है उसकी नए टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास हो रहा है। 2017 में हमने एयरपोर्ट शुरू किया लेकिन बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था, और तुरंत हमारे ध्यान में आया कि यहाँ पर इतनी ज्यादा फ्लाइट्स की डिमांड है और उसके कारण आज वहां पर विस्तारित इस प्रकार का एयरपोर्ट हो रहा है और नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी भी वहां पर हुई है। मैं ऐसा मानता हूं आने वाले दिनों में देश के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में हमारा शिरडी का एयरपोर्ट होगा और साई बाबा का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका भी आज शिलान्यास कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं विकसित भारत की ओर ये जो कदम हमारे महाराष्ट्र ने हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा है, इसके कारण निश्चित रूप से महाराष्ट्र
अग्रसर होगा, महाराष्ट्र आगे जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी आपने हमको समय दिया और इस कार्यक्रम को आप संपन्न कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको निमंत्रित करता हूं कि आप कृपा कर इस कार्यक्रम को संबोधित करें और ये जो शिलान्यास है और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत है इसको आप शुरू करें, ऐसा आपसे निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब मुंबई, नासिक, जालना, बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली तथा ठाणे के अंबरनाथ, इन 10 जगहों पर नूतन सरकारी मेडिकल विद्यालयों का प्रारंभ, साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई का उद्घाटन और विद्या समीक्षा केंद्र महाराष्ट्र का लोकार्पण करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूं कि वे ई फलकों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। और अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं की जानकारी देती हुई एक लघु फिल्म। मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। भारत, इस भारत का पिछले 10 सालों में नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। करोड़ों भारतवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा की अगुवाई में नई नीतियों को बनाना इस सोच का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार की इन्हीं नीतियों को अंजाम तक ले जाने का काम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार बखूबी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति, अजीत पवार की दूरदर्शिता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रिफ के अथक परिश्रम का परिणाम अब दिखने लगा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली और चिकित्सा शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को एक साथ मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। नए मेडिकल कॉलेज गढ़चिरौली, भंडारा, बुलढाणा, वाशिम, मुंबई, अमरावती, जालना, हिंगोली, ठाणे और नासिक में स्थापित किए जाएंगे। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की धारणा के तहत प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अब महाराष्ट्र में आगामी शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेजों में MBBS की 900 नई सीटें मिलाकर कुल 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज और छात्रों के लिए 4,850 MBBS की सीटें उपलब्ध होगी। अब रियायती दरों पर चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश में 1,00,000 MBBS सीटों का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अब एक नहीं 10 कदम स्वस्थ महाराष्ट्र के, स्वस्थ राष्ट्र के। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया विजन के तहत पिछले 10 वर्षों में करोड़ों युवाओं को कौशल प्रदान कर सशक्त बनाया गया है और ये भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनने की ओर प्रेरित कर रहा है। भारत के कौशल विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज एक नई शुरुआत हो रही है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS का शुभारंभ किया जा रहा है, जो भारत के हजारों युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के तहत ही भारत में इस IIS मुंबई जैसे विश्व स्तरीय कौशल विकास के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, जो हमारे युवाओं के लिए भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नए अवसर प्रदान करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS मुंबई कौशल विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट की साझेदारी में स्थापित हो रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 और फ्यूचर ओरिएंटेड प्रशिक्षण देना है। ये सरकार और उद्योग की सफल साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।
जो स्किल इंडिया मिशन को नई दिशा देकर युवाओं को सशक्त बनाएगा। IIS मुंबई 4 एकड़ राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के कैंपस में स्थित है और मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, फैक्ट्री ऑटोमेशन, CNC मशीनिंग, रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देगा। अपने प्रारंभिक चरण में 10 एडवांस लैब्स, जो 15 से अधिक ग्लोबल और भारतीय OEMs के साथ साझेदारी में स्थापित की गई हैं, वास्तविक उद्योग उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। भविष्य में संस्थान में हॉस्टल की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पूरी तरह विकसित परिसर के साथ संस्थान आने वाले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देगा। IIS मुंबई देश में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिसमें विश्व स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र को भी देश को समर्पित करेंगे। आज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक भारत के विद्या समीक्षा केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और अवसर के प्रतीक हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पहल का अगला कदम रखते हुए हम नवाचार से प्रेरित शैक्षिक उत्कृष्टता के एक नए युग की ओर देख रहे हैं। उद्घाटित हो रहे महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और अब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर का आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण, साथ ही शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भूमि पूजन करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूं कि वे ई पलकों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। और अब इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म चलेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विमानन उद्योग ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है और लक्ष्य 2047 तक इस संख्या को 350 से 400 तक बढ़ाने का है। भारत के विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को कई विकास कामों की सौगात दी है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी की अगुवाई में कार्यशील महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के हवाई क्षेत्र के सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं को संकल्पित किया है। इसी के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर के टर्मिनल इमारत एवं विविध कार्यों का भूमि पूजन। इस परियोजना से नागपुर हवाई अड्डा एक विश्व स्तरीय विमानन केंद्र में बदलने के लिए तैयार है। उक्त परियोजना की अनुमानित लागत 7,000 करोड़ है, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण के विस्तार में नागपुर हवाई अड्डे की यात्री क्षमता को 4 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। भविष्य में इसे 30 मिलियन यात्रियों की क्षमता तक बढ़ाने की योजना है और कार्गो हैंडलिंग क्षमता को वर्तमान स्तर से 4 गुना बढ़ाकर 20,000 टन तक बढ़ाने की योजना है। इस योजना से नागपुर की अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा बेहतर होगी, जिससे विदर्भ क्षेत्र के एग्रो उत्पाद का जलद गति से निर्यात हो पाएगा और पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई एकीकृत टर्मिनल इमारत भूमि पूजन। हवाई मार्ग से शिरडी में आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए शिरडी हवाई अड्डा विकसित करने के लिए MADC द्वारा नए टर्मिनल इमारत विकसन की योजना प्रस्तुत है। कुल 645 करोड़ की लागत से बनने वाली न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का कुल क्षेत्र 54,000 स्क्वायर मीटर होगा। इस परियोजना से देश विदेश से आने वाले यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय मानक सुविधाओं के साथ सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा। शिरडी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के रोजगार निर्माण में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से
हवाई क्षेत्र के उत्थान के साथ विकास की ऊंची उड़ान भरने के लिए महाराष्ट्र राज्य तैयार है। बेहद पेश कीमती मूल्य की सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमें दी, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथराव शिंदे जी हमें माणगांव रायगढ़ से संबोधित करेंगे। नमस्कार। अच्छा विमानतळ आणि मेडिकल कॉलेजचा लोकार्पण भूमिपूजन प्रसंगी उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी और जिनकी लोकप्रियता आसमान को छू रही है ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज उपस्थित राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी है, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी है, वाहतूक मंत्री नायडू जी है, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, अजीत दादा जी है, सभी अन्य हमारे मंत्रीगण, सांसद और विधायक, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले हरियाणा में मिली शानदार जीत के लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सचमुच जीत हो तो ऐसी हो, एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस के लोग जलेबी बांटने लगे थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया, इसलिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी भारत के मन की बात जानते हैं, मोदी जी भारत के जनमन में समाये हुए हैं। जब भी विकास की बात होती है तो बस मोदी जी की बात होती है और मोदी जी की याद आती है। आज नागपुर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शिरडी एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का भूमि पूजन आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन हो रहा है। महाराष्ट्र मेडिकल शिक्षा में अव्वल स्टेट बनते जा रहा है। इस उपलब्धि के लिए मैं केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबका साथ सबका विश्वास, इसी मंत्र के साथ मोदी जी ने काम शुरू किया। हमारे लिए यह मंत्र एक मार्गदर्शक दीप स्तंभ की तरह है। मोदी जी का साथ, मोदी जी का विश्वास ही हमारी सफलता का मंत्र है। महाराष्ट्र में विकास का यह पर्व लाने के लिए हमें उन्होंने हमेशा सहयोग दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। नागपुरच्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर लवकरच 100 विमानांची व्यवस्था होणार आहे आणि दरवर्षी 14 लाख प्रवासी प्रवास करणार आहेत, 9 लाख मेट्रिक टनाची माल वाहतूक शक्य होणार आहे। नागपूर विमानतळाच्या विस्तारामुळे विदर्भ हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार उद्योग आणि तंत्रज्ञानाचं केंद्र होण्यास मदत होणार आहे। त्यातून अधिक परकीय गुंतवणूक भारताकडे येईल, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन त्याचा देशाच्या विकासाला हातभार लागेल। साईबाबांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिर्डीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्व आहे। संपूर्ण देशातून जगभरातून साई भक्त शिर्डीला येतात, आध्यात्मिकदृष्ट्या एक तीर्थस्थळ म्हणून जग शिर्डीकडे पाहते आणि आपण इथे 650 कोटी खर्च करून एकीकृत टर्मिनल उभारतो आहोत। शिर्डीतलं पर्यटन त्यामुळे वाढेल, रोजगार आणि सेवा संधी वाढेल। 55 कोटी रुपये खर्च करून शिर्डी विमानतळावर कार्गो कॉम्प्लेक्स उभारलं जात आहे। शिर्डी आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांना त्यामुळे व्यापाराची संधी उपलब्ध होणार आहे। महाराष्ट्रात आता MBBSच्या सर्वात जास्त जागा आहेत। देशातील सर्वाधिक मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्रात आहेत। 2014 पूर्वी देशामध्ये फक्त 387 मेडिकल कॉलेज होती, आता गेल्या 10 वर्षात ती संख्या 706 गेलेली आहे। मेडिकल कॉलेज बढ़ गए और एयरपोर्ट पहले 2014 से पहले 74 थे, उसमें और 75 की बढ़ोतरी होकर अब 150 के पार हमारे एयरपोर्ट गए हैं। केंद्रातील सशक्त सकारात्मक धोरणामुळे शक्य झालेले आहे। एकाच दिवशी 10 मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन हा एक रेकॉर्ड आहे और महाराष्ट्र हमेशा रेकॉर्ड करने की आदत महाराष्ट्र को है। आपके मार्गदर्शन में विकास आणि लोककल्याणकारी निर्णयामध्येही महाराष्ट्राचा विक्रम केले। राज्यातील 12 कोटी जनतेसाठी 5 लाख रुपयापर्यंतच्या आरोग्य विमा काढणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे।
आणि म्हणून डबल इंजिन सरकारमुळे गेल्या 2 वर्षात या कामांना वेग आलाय. विकासाचे कुठलेही काम आम्ही आदरणीय मोदीजींकडे घेऊन गेलो, ते कधी ना म्हणाले नाही. त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये नो आणि नाही हा शब्द नाही, आणि म्हणून त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. मैं और एक खुशखबर आज या देने जा रहा हूं. हमारे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले 2-3 दिनों में सुखोई फाइटर टेक ऑफ करने वाला है. हम सभी का मानना है कि मोदी जी खुद सुखोई से भी बड़े फाइटर है. सारे विरोधी से वो अकेले फाइट करते हैं और अकेले जीतते हैं, और इसलिए उनका फाइटर प्लेन 140 करोड़ जनता के मन में लैंड कर चुका है. मोदी जी इस देश को हवाई जहाज की स्पीड से आसमान की ऊंचाई पर लेकर जा रहे. माँ जगदम्बा की कृपा से हमारे देश को ऐसा नेता नसीब हुआ है. इसके लिए हरियाणा में मिले शानदार जीत के लिए मैं उनका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. मैं जीत को महाराष्ट्र में भी दोहराने और मोदी जी को शानदार जीत का तोहफा देने का वादा करता हूं. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी. और अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय प्रार्थना करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित करें. नमस्कार. महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री अजित पवार जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महाराष्ट्रातील सर्व शिवप्रेमी बंधू भगिनींना माझा नमस्कार. आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है. नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम, शिरडी एयरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इन 2 अहम प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी हुआ है. मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. अभी पिछले हफ्ते ही मैं ठाणे और मुंबई गया था. यहां मेट्रो समेत 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के शुभारंभ का अवसर मुझे मिला. इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं. कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं. किसानों, पशुपालकों के हित में नई पहल की गई है. महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधावन पोर्ट की नींव रखी गई है. महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में
कभी भी विकास नहीं हुआ। हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से, इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुष का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। दो बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उनसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, कांग्रेस हमेशा
बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है। हरियाणा तर भाजपा जिंकली,
अतः महाराष्ट्र या पेक्षा मोठा विजय मिलवाए चाहे। साथियों, पिछले 10 वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रा बनाने का एक महायज्ञ शुरू किया है। आज हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम एक स्वस्थ और समृद्ध महाराष्ट्र की नींव रख रहे हैं। एक साथ 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, ये केवल 10 नए संस्थानों को तैयार करना नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का महायज्ञ है। ठाणे, अंबरनाथ, मुंबई, नासिक, झालना, बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा और गढ़चिरौली, ये मेडिकल कॉलेज इन सभी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में लाखों परिवारों की सेवा का केंद्र बनेंगे। इनके चलते महाराष्ट्र में 900 मेडिकल सीटें बढ़ रही है। अब महाराष्ट्र में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग 6000 हो जाएगी। इस बार लाल किले से देश ने संकल्प लिया है कि मिडिल क्लास में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएगी। आज का ये आयोजन इसी दिशा में भी बड़ा कदम है। साथियों, हमने मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाया है, इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बने, उनका सपना पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मातृभाषा में किताबें ना होना भी बड़ी चुनौती थी। हमने महाराष्ट्र के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये भेदभाव भी खत्म किया है। अब महाराष्ट्र के युवा मराठी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। मराठी भाषा में पढ़कर वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। साथियों, जीवन को आसान बनाने का हमारा प्रयास गरीबी के खिलाफ लड़ाई का बहुत बड़ा माध्यम है। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने तो गरीबी को अपनी राजनीति का ईंधन बना रखा था, इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखती थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक दशक के भीतर भीतर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है और देश में स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प इसका एक बड़ा आधार बना है। आज हर गरीब के पास मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है। अब सभी देशवासियों में जो भी 70 के ऊपर के हैं, अब 70 साल की उम्र के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज मिल रहा है। जन औषधि केंद्रों पर बेहद कम कीमत पर जरूरी दवाइयां मिल रही है। हार्ट मरीजों के लिए स्टेंट 80-85% तक सस्ते किए गए हैं।
हमने कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाइयों के लिए उसके दाम भी कम किए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की संख्या बढ़ने से भी इलाज सस्ता हुआ है। आज गरीब से गरीब देशवासी को मोदी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच दिया है। साथियों, दुनिया किसी देश में तभी विश्वास करती है जब वहां का युवा आत्मविश्वास से भरा होता है। आज युवा भारत का आत्मविश्वास भारत के उज्जवल भविष्य की नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रूप में देख रहे हैं। हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में अपार अवसर है। इसलिए हम अपने युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्किल्ड बना रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केंद्र जैसे प्रकल्प भी शुरू कर रहे हैं। आज हमने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का शुभारंभ भी किया है। इसमें युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलेगी, उनके टैलेंट को बाजार की डिमांड के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी सरकार ने युवाओं को पेड इंटर्नशिप देने की शुरुआत भी की है। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह की पहल हुई है। अब युवाओं को 5,000 रुपये इंटर्नशिप के तौर पर मिलेंगे। मुझे खुशी है कि हजारों कंपनियां इस अभियान में जुड़ने के लिए युवाओं को इंटर्नशिप में मदद करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रही है। इस पहल से युवाओं की नींव मजबूत होगी, उनको नया अनुभव मिलेगा और उनके लिए नए अवसरों की राह आसान होगी। भाइयों और बहनों, युवाओं को लेकर भारत जो प्रयास कर रहा है उसके परिणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। आज हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की बराबरी कर रहे हैं। अभी कल ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। इस रैंकिंग के अनुसार भारत में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की रिसर्च की क्वालिटी बदल रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर भारत से जुड़ा हुआ है। भारत की ये आर्थिक प्रगति नए अवसरों को लेकर आ रही है। ऐसे क्षेत्र जिनकी दशकों तक कांग्रेस ने उपेक्षा की, आज वो क्षेत्र भी असीम अवसरों का स्रोत बन रही है। जैसे टूरिज्म का उदाहरण है, महाराष्ट्र के पास कितनी अमूल्य विरासत है। महाराष्ट्र में कितने सुंदर प्राकृतिक स्थल है, आध्यात्मिक केंद्र है। इनके इर्द गिर्द हजारों लाखों करोड़ की इकोनॉमी विकसित हो सकती है, लेकिन इन अवसरों का वैसे उपयोग नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था।
कांग्रेस को न विकास से मतलब था, न विरासत से मतलब था। हमारी सरकार में विकास भी है, विरासत भी है। हम अपने समृद्ध अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आज शिरडी एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास, नागपुर एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण, ऐसे ही कितने ही विकास कार्य आज अनवरत महाराष्ट्र में चल रहे हैं। शिरडी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से साईं बाबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आ सकेंगे। कुछ ही दिन पहले मैंने अपग्रेडेड सोलापुर एयरपोर्ट का लोकार्पण भी किया था। जब श्रद्धालु एक जगह आएंगे, शनि शिंगणापुर, तुलजा भवानी, कैलाश मंदिर जैसे आसपास के दूसरे स्थानों पर भी जरूर जाएंगे। इससे महाराष्ट्र की पर्यटन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, हमारी सरकार का हर निर्णय और हर नीति केवल केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत। और इसके लिए हमारा विजन है गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का कल्याण। इसलिए विकास का हर प्रोजेक्ट गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए समर्पित होता है। शिरडी एयरपोर्ट में जो अलग अलग कार्गो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो किसानों की बहुत बड़ी मदद करेगा। इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को देश और विदेश में भेजा जाएगा। इसका फायदा शिरडी, लासलगांव, अहिल्यानगर और नासिक के किसानों को होने वाला है। ये किसान प्याज, अंगूर, सहजन, अमरूद और अनार जैसे उत्पादों को बड़े बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार जरूरी कदम उठा रही है। हमने बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य के खत्म कर दिया है। गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। पर बॉइल चावल पर निर्यात शुल्क भी आधा हो गया है। महाराष्ट्र के किसानों का मुनाफा बढ़े, इसके लिए सरकार ने प्याज पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स को भी आधा कर दिया है। हमने खाद्य तेलों के आयात पर 20% टैक्स लगाने का फैसला किया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम शुल्क को भी काफी बढ़ाया गया है। इसका लाभ किसे होगा? हमारे देश के किसानों को होगा। उन्हें सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों की ज्यादा कीमत मिलेगी। आज सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिस तरह सपोर्ट कर रही है, उससे महाराष्ट्र के कपास किसानों को भी बहुत फायदा होगा। साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, महाअघाड़ी महाराष्ट्र को कमजोर करके सत्ता पाना चाहती है, जबकि महायुति का संकल्प महाराष्ट्र को मजबूत बनाने का है। मुझे खुशी है कि आज महाराष्ट्र एक बार फिर देश की प्रगति को
नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों को इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।